नाज़रीन तनावल की हसीन वादियों से आपको हारून तनौली का अदाबर। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं, ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि सिरी जिसको मलका है तनावल भी कहा जाता है, कितना खूबसूरत मंजर है और बहुत ही खूबसूरत अपर तनावल का ये इलाका है, पूरी दुनिया की नज़रों से ओझल है। हम इसे आज करने जा रहे हैं एक्सप्लोर आपके सामने। आप देखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट या किरदार है वो कैप्टन मोहम्मद सफदर का है, जिसका तल्लक भी इसी इलाके से है। आज नाज़रीन आप इस इलाके को कैप्टन सफदर की तवस्सत से देख सकते हैं। अगर वो रोड ना बनाता, वो कम्युनिकेशन गैप को दूर ना करता, तो आप इस खूबसूरत और दीदा कश मनाजर को कैसे देख सकते थे। आइए देखते हैं। कैप्टन सफदर साहब की तो कोई बुराई बयान कर नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि 25 साल इनसे पहले जो गुजरे हैं हमारे MNA नवजादा सलाउद्दीन सईद के, जिन्होंने 25 साल में दो लाख रुपए का काम नहीं किया, इलाका महरूम रहा। उसके बाद हमारे जो MNA बने लायक मोहम्मद खान, इन्होंने भी थोड़ी सी गलियों का काम किया। उसके बाद हमारे MNA बने मौलाना अब्दुल मलिक साहब, इन्होंने भी कोई ख़ास तवज्जो ना दी इलाके पे। तो कैप्टन सफदर साहब तो ये मेरे इलाका NH14 के ये मसीहा हैं, जिन्होंने रोडों का जाल बिछाया। इसी नदी सिरन पे उन्होंने पुलों का जाल बना दिया। फिर लसा नवाब से आगे चंदौर तक, डिस्ट्रिक्ट हरिपुर तक इन्होंने सोई गैस की पाइपलाइन बिछा दी। खुल्ला से सिरी टॉप पे ये जो सियाती मकाम है हमारा, इस पे उन्होंने वो रोड लेके चले गए। दरबंद से चमेड़ी रोड, उसके बाद बांडी पड़ा से चम्याल रोड, शुंगली बांडी के बहुत बहुत ज़्यादा रोड, और उगी में एक समाल डैम, उसके बाद उगी से एक खब्बल तक रोड। मुझे NH14 में बिजली के पोल इस तरह तकसीम किए गए कैप्टन सफदर ने कि जिस तरह जिस गांव को भी देखें लगता ये है कि जनाब ये कैप्टन सफदर का प्रॉपर अपना आबाई गांव है। जी तो नाज़रीन, बात हो रही थी मानसेरा के सबका हल्के NA21 और मौजूदा NA14 की। यहाँ पर पसमानदगी का दौर दौरा था। आपको ये हिस्ट्री के हवाले से मैं बताता चलूँ कि यहाँ के लोग जो हैं, यो यहाँ पर भी मेहनत मजदूरी करते हैं, मुल्क के दीगर शहरों में और बैरून मुल्क भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, मगर पसमानदगी इतनी ज़्यादा थी कि जिसको सही रास्ते पर, डिगर पर लाना, डेवलपमेंट के रास्ते पर लाना इंतहाई मुश्किल था। ये मुमकिन कैसे हुआ? ये मुमकिन 2009 के इलेक्शन में कैप्टन मोहम्मद सफदर के भाई हाजी ताहिर ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, वो कामयाब ना हो सके। उसके बावजूद कैप्टन मोहम्मद सफदर पंजाब के रावलपिंडी के एक हल्के से MNA मुंतखब हुए थे। उन्होंने
वहां से पंजाब के जो फंड थे उस हलके में ट्रांसफर किए और इस हलके को 4 चांद लगा दिए। आज जो ये पूरी दुनिया के आज जो पूरी दुनिया की नजरों के सामने ये इलाका जिस वक्त इसकी बात होती है NH-14 की, तो NH-14 में तरक्याती कामों के जाल बिछ चुके हैं। वो कैप्टन सफदर की मरहून मिन्नत वो जाल बिछे हैं। अगर रोडों की बात की जाए तो मुख्तलिफ रोड जो हैं यहाँ पर इस पूरे हलका NH-14 में वो बनाए गए हैं। इसके साथ अगर राबता पुलों की बात की जाए तो मुख्तलिफ क्यों के यहाँ पर नदी नाले, बहुत बड़े बड़े नदी नाले हैं, वो पुल भी राबता पुल भी यहाँ पर तामीर किए गए हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला जो था वो सुई गैस का था। वो गैस पाइपलाइन यहाँ से बिछाई जो इस पूरे इस लसनवाब और दीगर इस इलाकों के नाजरीन, या एक बात आपको मैं करता चलूं, क्योंकि इसका नाम इस इलाके का जिस जगह मैं मौजूद हूँ लसनवाब इसे कहा जाता है, मगर मकामी जिस वक्त मेरे लोगों से बात हुई तो उनको कहना था कि ये लसा आज़ाद है। वाकई आज ये जो बात लोग कर रहे हैं हकीकत कर रहे हैं कि आज ये लसा आज़ाद है। अब अगर मानसेरा से देखा जाए तो ऐसा इजीली आ सकता है, अगर हरिपुर से देखा जाए तो इजीली आ सकता है, एबटाबाद से देखा जाए तो इजीली आ सकता है। ये लसा का जो मकाम है ये एक प्लेट की तरह है और इसके जो इतराफ़ में पूरे पहाड़ी एक सिलसिला है और इसमें ख़ास जो एक पहाड़ी है वो आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं सिरी, यहाँ पर भी पहुँचना नामुमकिन था। इस नामुमकिन को मुमकिन किसने बनाया? उस शख्सियत का नाम था कैप्टन मोहम्मद सफदर, जिसकी मरहून मिन्नत आज तनावल के अंदर अलहदा बिजली का सेटअप है, इसके लिए एक अलहदा ग्रेड स्टेशन बैलरा चौक में बनाया गया है जो उगी दरबंद तक जो है वो इस पूरे इलाके की बिजली जो है वो सप्लाई की मॉनिटरिंग वहाँ से होती है, यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं है। इसकी नस्बत अगर दीगर इलाकों की बात की जाए तो उनमें ये सिलसिला बदस्तूर है। खुश नसीब हैं ये लोग, खुश नसीब है ये इलाका। इसकी तकदीर को बदलने के लिए अल्लाह पाक ने जिस शख्सियत को यहाँ भेजा उसने अपना काम सच कर दिखाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इलाका, इस इलाके को जिस वक्त बिजली आप नाजरीन देखेंगे स्क्रीन में इसको देखेंगे तो इतना खूबसूरत है, ये समझें कि आप यूरोप के किसी खित्ते में मौजूद हैं। इतनी खूबसूरत पहाड़, इतने खूबसूरत दरख्त, इतना खूबसूरत मौसम, मगर ये खूबसूरती बिल्कुल थी मगर ये नज़रों से ओझल थी, आज नज़रों के सामने आई है। इस खूबसूरती की मरहून मिन्नत यहाँ पर एक एयरपोर्ट जो है उसका बुनियाद संगे बुनियाद भी रखा गया था। यहाँ एयरपोर्ट बनना था जो एबटाबाद को, मानसेरा को, दीगर इलाकों को जो इस सर्कल के एरिया में आते हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकते थे। बदकिस्मती से के मौजूदा जो हुकूमत है इन्होंने इस फंड को इधर उधर करने की कोशिश की, मगर वो कुला बरादरी ने उसके खिलाफ स्टे लिया। वो फंड जो है एयरपोर्ट के मुंजमद हो चुके हैं। सावन मेरा इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत, यहाँ एयरपोर्ट बनना था और बनेगा, आने वाले वक्तों में बनेगा, क्योंकि कैप्टन मोहम्मद सफदर ने इस इलाके के अंदर वो तरक्की रिकॉर्ड तरक्की के काम करवाए हैं जो शायद हजारा की तारीख में किसी जगह मिलते हों। अगर बात की जाए ये जो रोड है आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये बैदड़ा चौक से होती हुई आती है और ये लस्सा नवाब, लस्सा आज़ाद, और यहाँ से होती हुई सीधा ये आगे चली जाती है हरिपुर, हरिपुर को जाकर मिलाती है। ये 22 करोड़ रुपये से जायद का इसके ऊपर जो है तखमीना लगा हुआ है। और नाज़रीन इसमें छोटे बड़े जो पुल हैं, जो पुलियाँ बनी हुई हैं, आखिर हमारे जो सबका दौर इकतदार में यहाँ लोग थे उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया? उन्होंने इस इलाके के लिए 2 करोड़ रुपए की, 3 करोड़ रुपए की छोटे छोटे वो काम करते रहे हैं, अपने लोगों को नवाजते रहे हैं। उसके साथ साथ पुराने जितने सियासी भी थे उनका मैं बुरा नहीं कहता, मगर ये ज़रूर कहता हूँ कि ये लोग जो हैं ये मार्शल लोग थे, ये बहादुर लोग थे, जफाकश लोग हैं, मेहनती लोग हैं, बड़े बहादुर हैं, मगर इनको आपस में उलझा कर अपनी सियासत करते रहे। अब ये लोग जाग चुके हैं, अपर तनावल के ये लोग जिस वक्त जागे हैं तो आज यकीन करो दिल करता है कि मैं भी लोअर तनावल से या इस अपर तनावल में आकर आबाद हो जाऊं। इसकी तरक्की को देखता हूं, इसके दीगर इनके लोगों को देखता हूं, इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, इतना प्यार और इतनी शफकत करने वाले लोग यहां पर मौजूद हैं। इनको उन सियासियों ने अपनी ताया, चचा, मामा और रिश्तेदारी, ज़मीन, जगहों के झगड़ों में लगा कर अपने मजमूम मकासद हासिल किए। उन मकासद को ख़त्म करने के लिए भी जो किरदार अदा किया वो किरदार भी कैप्टन मोहम्मद सफदर ने किया। कैप्टन मोहम्मद सफदर उसके साथ यही नहीं कि इस हलके की दुआएं हैं, इस हलके के बेवाओं, यतीमों, बेबसों, बेसारों, बे आसरों की दुआएं हैं, उन लोगों की दुआएं हैं, उन लोगों का साथ है जिनका कोई नहीं है।
कैप्टन ने सबके सरों पर हाथ रखा, मगर आज ये लोग जो हैं उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कैप्टन तूने जिस तरीके से हमारे हालात बदले, अल्लाह इससे मजीद तेरे हालात अच्छे बेहतर करे।